हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर आपके लिए 2 स्टार्ट हो चुकी है। देखिए एक्सरसाइज 1.2 के हम आपके लिए सवाल बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले हम बात कराते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह आपको प्रूफ करना है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। हम मान के ये चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चलेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। √5 एक परिमेय संख्या है, इस हिसाब से हम यहां पर जो है लिखेंगे √5 बराबर p/q। p/q के रूप में लिख सकते हैं अगर परिमेय संख्या है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहां पर √5 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायर रूट हट जाएगा वर्गमूल, तो यहां पर हो जाएगा 5 बराबर p² / q². तो हम लिखा लेंगे p² = 5q². तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ऐसा है तो p बराबर आप लिख लो रूट के अंदर 5q², तो p बराबर आ जाएगा √5 और q स्क्वायर का जो वर्गमूल यहाँ पर हो जाएगा q हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मान के चलें q एक आपके लिए कैसा नंबर था, रेशनल नंबर था, और यहाँ पर √5 कैसा है, वो है इरेशनल नंबर। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो आपके लिए क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध करो कि किसी भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक पी के लिए √2p एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √p एक अपरिमेय संख्या है, आपके लिए प्रूफ करना है। तो बिल्कुल है, एक अपरिमेय संख्या किसी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक के लिए। अभाज्य धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, अभाज्य, तो जैसे 3 है 5 है 7 है इनके लिए। तो अगर आप मान के चलो यहाँ पर √3 है या √5 है या √7 है तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसको प्रूफ करना है, फिर से यही आप कर लेंगे बिल्कुल, √3 को मान के चलेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √3 बराबर मान लेंगे p/q, स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर बराबर p² / q². 3 का स्क्वायर करेंगे 3 = p² / q², तो p² = 3q², यानी p बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 3q², तो p बराबर हो जाएगा √3q, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इरेशनल नंबर आएगा, इस हिसाब से लिख सकते हैं कि √p, जहाँ p क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर √p एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिए प्रश्न नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, 3 है क्या, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, इसको मान के चलेंगे ये परिमेय संख्या है, तो 5 + √3 बराबर p/q, स्क्वायर कर देंगे तो 5 + √3 का स्क्वायर और बराबर में p² / q². अब स्क्वायर करो, a² = 25 + b² = 3 बचेगा प्लस का 2 times हो जाएगा तो 10√3 हो जाएगा बराबर में p² / q². p² को इधर ले आओ तो p² = q² × 25 प्लस और यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा 3 = 38, यहाँ पर हो जाएगा 28 और रूट ये हो जाएगा आपके लिए +10√3। तो यहाँ भी आप देखिए ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी, यानी यहाँ पर तो p बराबर यहाँ पर इरेशनल आ गया, इस हिसाब से ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पर, इधर कराते हैं ध्यान से, देखिए इधर चौथा प्रश्न हम आपके लिए कराते हैं। देखिए
चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसको भी प्रूफ करना है तो यहां पर मान के चलेंगे ये अपरिमेय संख्या है, 2√5 बराबर पी बटे क्यू, स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे 2√5 का स्क्वायर और बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग 4 × 5 का वर्ग 5 प्लस 2 × 3 × 2√5 हो गया बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 9 + 5 = 20 हो जाएगा और 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12√5 बराबर पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर 29 हो जाएगा प्लस में 12√5 और पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 29 + 12√5 ये हो जाएगा और पी का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से रूट लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके लिए 29 + 12√5 और इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्यू स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा रूट के साथ पी बराबर, यानी ये पूरा इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवा सवाल की, देखिए पांचवा सवाल आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर पांचवा सवाल आपके लिए बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपके लिए पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है, यहाँ पर सिद्ध करो कि संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं आपको प्रूफ करना। देखिए हमारे पास लिखा है 1/√2 और कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अपरिमेय संख्या आपको प्रूफ करना है। ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है तो हम बताते हैं। यहाँ पर 1/√2 लिख रहे हो, रूट टू से गुणा करो, रूट टू से नीचे भी गुणा करो तो ये हो जाएगा √2/√2 के इससे गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो अब जब हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से जब हम भाग करते हैं, यानी नंबर से भाग करते हैं, तो आपके लिए इरेशनल आता है यानी अपरिमेय संख्या आता है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही 7√5 है, तो जब हम ये इंटीजर को, यानी इंटीजर को जब हम पूर्णांक को इरेशनल नंबर से गुणा करते हैं तब भी इरेशनल नंबर आता है आपके लिए, इसीलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लिखा है 3 + 2√2, जब हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी पूरी तरीके से अपरिमेय है, इरेशनल है और ये आपके लिए इंटीजर है, तो ये भी इनका जो सम आएगा वो भी आपके लिए इरेशनल आएगा, यानी ये अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अब आपके लिए जो छठा प्रश्न है, लास्ट एक्सरसाइज का प्रश्न है, वो आपके लिए बता देते हैं। √3 + √4 ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको भी आपको बताना है। तो कैसे है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर √3 आप देखो लिखा है और प्लस यहाँ पर आपके लिए √4 लिखा है। आप जानते हो कि √4 का जो वर्गमूल है वो 2 है, तो यहाँ 2 + √3 आ गया। और अभी आपने पढ़ा 2 + √3 की जो टाइप की जो भी कोई आपके लिए समीकरण या ये जो मान है आप कैसे करेंगे, तो सिंपली इसको मान सकते हैं 2 + √3 बराबर पी बटे क्यू, यानी हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है तो हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ 2 + √3 का स्क्वायर और बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2 का वर्ग 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2 × 2 × 2 × 2 और यहाँ पर 2 और √3 ये आ जाएगा और बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 2 × 4 = √5 और बराबर में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 + 4√5 और यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी पी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर रूट के अंदर 7 + 4√5 और क्यू स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर 7 + 4√5, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा और क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्यू का वर्गमूल क्यू हो जाएगा, यानी ये भी एक इरेशनल नंबर ये गुणा कर रहा है तो इरेशनल नंबर ही आएगा, यानी अपरिमेय संख्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए सभी प्रश्न करा दिए हैं, पूरी एक्सरसाइज आपके लिए 1.2 समाप्त हो चुकी है और वास्तविक संख्या का जो चैप्टर शुरू हुआ था वो आपके लिए खत्म हो चुका है पहला चैप्टर, और फिर अब हम आपके लिए जो है शुरू करेंगे दूसरा
अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि दूसरा जो बहुपद का चैप्टर है वो कैसे करेंगे और शुरुआत करेंगे उसकी। तो यहाँ तक आप पूरी तरीके से देख चुके होंगे कि पूरा सवाल हमने यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।